रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर द्वारका में भव्य आयोजन जारी है। इसी श्रृंखला में कला भूमि की तरफ से वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन के तौर पे जो राम मंदिर है उसकी जो छवि है वो की जा रही है और कोशिश है इन छात्रों की कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में शामिल किया जाए। कला भूमि के असगर अली हमारे साथ मौजूद हैं। असगर साहब, क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा मौका है और खासतौर पे जो पेंटिंग आप लोग बना रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, कितनी बड़ी ये पेंटिंग है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अयोध्या में 5000 दिए जलाकर एक रिकॉर्ड है, इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये लार्जेस्ट पेंटिंग है जो कि 50x30 का जो है लार्जेस्ट बनाया गया है, जिसमें 25 स्टेट से बच्चा यहाँ पर आया हुआ है। सबसे बड़ी बात है ये हैंडमेड है और पिछले करीबन 3 से 4 घंटे से बच्चे लगे हुए हैं। और ये लार्जेस्ट अयोध्या राम मंदिर जो है बनाया जा रहा है, जिसमें मोदी साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, ताकि उनका जो चित्रण जो हम कर रहे हैं, ये ऐसी कोई पेंटिंग अभी तक कोई डिज़ाइन नहीं हुई है। क्या कुछ कहेंगे, कितना मेहनत है, कितने लोग लगे हैं? 80 से 100 लोग हम लगे हुए हैं और सुबह से ही लगे हुए हैं काम करने में। बहुत जल्दी हम इसे ख़त्म कर लेंगे और बहुत सुंदर ये चित्र बनने वाला है जो अभी हम देख पा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर बनने वाला है और ये हर जगह छाप छोड़ेगा आज के दिन। असगर साहब, कितना मेहनत होता है जो आर्ट को आप लोग उकेरते हैं और तमाम लोग जब सामूहिक प्रयास करें, क्योंकि समझ आता है अगर एक व्यक्ति बनाए तो उसके दिमाग में वो छवि रहती है, लेकिन सामूहिक अगर 80 से 100 लोग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की कोई आशंका भी रहती होगी मन में। बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली सर हमारे पास ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि 6 to 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम पहले अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। ये हमारे लिए भी काफ़ी टफ था कि हम गिनीज तक पहुँचे, तो गिनीज का ये काफ़ी बड़ा टाइटल होता है और इसमें काफ़ी सावधानियां जो बरतनी होती हैं। पहले बच्चों का जो है पूरा रिहर्सल होता है, उनको ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए, जब जाके ये पूरा एक लार्जेस्ट पेंटिंग जो है डिज़ाइन होता है। कितनी उम्मीदें हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा इस बार पुणे? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें कुछ रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा सर। मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए और होगा भी। आपने देखा कि जो आयोजक हैं, कला भूमि के जो डायरेक्टर हैं और साथ में उनके जो साथी हैं, उनको न सिर्फ आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये जो पेंटिंग है इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगी और साथ ही उनके लिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आएगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।